जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बागेश्वर जिले में आने वाले पर्यटकों का लेखा जोखा रखने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी ने एक पोर्टल बनाने के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि बागेश्वर के ग्लेशियरों की सैर करने वाले कई पर्यटक बिना रजिस्ट्रेशन के ही भ्रमण पर चले जाते हैं। बाद में किसी संभावित आपदा के बाद पर्यटकों की लोकेशन और उनकी संख्या नाम पता ढूंढने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में प्रशासन एक पोर्टल तैयार करने पर विचार कर रहा है, जिसमें सभी पर्यटक भ्रमण पर जाने से पूर्व अपना रजिस्ट्रेशन कर सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि हाल ही में अमेरिका के कई पर्यटक पिंडारी ग्लेशियर में बर्फीले तूफान में फंस गए थे। उनकी सटीक जानकारी होने के कारण सभी को सकुशल बचा लिया गया था, लेकिन कई पर्यटक बिना सूचना के ही चले जाते हैं। उन्हें रेस्क्यू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जिलाधिकारी ने वन विभाग, पुलिस, राजस्व विभाग तथा पर्यटन विभाग से इस दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। ये हमारे यहाँ जैसे हम मॉनसून का को लेकर, आपदा को लेकर, हम लोगों ने उसके पहले ही उसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मीटिंग रखी थी, जिसमें हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो बनता है, जो तहसील स्तर पर बनता है, कौन कौन से वल्नरेबल पॉइंट है जहाँ पर स्लाइड्स आता है, कहाँ कहाँ हमें JCBs लगानी है, कितना विभागों को कितने JCBs के टेंडर्स करने हैं, शेल्टर स्थल अगर बनने हैं तो कहाँ बनने हैं, खाद्य पेय सब, इन सब पर गहन चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। तो ये पहली प्रिलिमिनरी बैठक थी। इसके बाद हम एक IRS की, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम की भी बैठक करेंगे, जिसमें सबके रोल्स, किस अधिकारी का क्या रोल है और डिजास्टर के टाइम पर सबको वो ऑटो मोड में एक्टिवेट हो जाए। दूसरा, हमारे यहाँ स्पेशल, हम कई बार, पिछले बार भी देखा गया कि बहुत सारे ट्रैकर्स हैं जो हाई अल्टीट्यूड पॉइंट पर फंस जाते हैं, 0 पॉइंट से आगे। तो ये पहले भी सुंदरडुबा में भी आप सब अवगत ही है, कुछ कैजुअल्टी हुई अभी पिछले दिनों, कुछ 13 अमेरिकी जो हमारे ट्रैकर्स थे वो भी फंसे थे। तो हमने एक स्मूथ सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि सबकी इन्फॉर्मेशन एक प्रशासन के पास रहे। ये केवल एक इन्फॉर्मेटरी सिस्टम होगा कि ताकि हमें पता रहे कि कौन ट्रैकर कहाँ गया हुआ है और हम उसको ट्रैक कर पाएँ। इसके साथ ही हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि दिवाली में हम अपना सैटेलाइट फ़ोन एक KMBN को दे दें, या 0 पॉइंट पर भी अगर हम एक सैटेलाइट फ़ोन रख पाए ताकि हम कम्युनिकेशन में रहे। और एक हम पोर्टल भी इसमें तैयार कर रहे हैं कि जो भी यात्री या जो भी ट्रैकर आता है वो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन उस पोर्टल पर डाल दे, ताकि हम लोगों के पास एक डेटा रहे कि वो कहाँ से है, क्या है, ताकि कोई भी ऐसी अगर कोई संभावित अगर दुर्घटना हो तो हम उनको इजीली रेस्क्यू कर सकें और हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन हो। दूसरा ये भी, अब क्योंकि मौसम आजकल बहुत अनप्रेडिक्ट, सारी इन्फॉर्मेशन हो, बारिश और बर्फबारी के आप देख ही रहे हैं, तो ऐसे अनप्रेडिक्टेबल मौसम में तो और ज़्यादा हमें सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है कि ट्रैकर्स को अर्ली मॉर्निंग पहले ही चली जाए कि आगे मौसम ख़राब है, या किस किस टाइम पर आप ट्रैकिंग करें, या प्रशासन को से क्या सहयोग उनको चाहिए होगा, या वो प्रशासन से क्या सहयोग लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सब को चलते हुए बहुत सारे सुझाव आए, उनको इम्प्लीमेंट करते हुए इसको स्मूथ हम एक ट्रैकिंग कराएंगे, ताकि हमारे पर्यटन काफ़ी मात्रा में आए और वो सेफ और अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जाएं। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।